आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी होने के बाद नीतू कपूर बेहद खुश हैं। लगातार वो अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। नीतू कई रियलिटी शोज को जज कर रही हैं और लगातार एक्टिव हैं। नीतू कपूर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट में कुछ गड़बड़ी कर दी है। दरअसल नीतू कपूर अपने बच्चों रणबीर और रिधिमा की कई तस्वीरें लगातार पोस्ट करती रहती हैं। अपने घर की तस्वीरें, परिवार की तस्वीरें नीतू कपूर लगातार पोस्ट करती हैं। ऐसे में एक तस्वीर जिसमें रणबीर की दादी कृष्णा राज कपूर भी हैं और उनके साथ नीतू कपूर और रिधिमा कपूर भी हैं और छोटे से रणबीर कपूर भी दिख रहे हैं। इस तस्वीर को नीतू कपूर ने पोस्ट किया, लेकिन इस तस्वीर में उन्होंने रणबीर को टैग कर दिया। अब समस्या रणबीर कपूर को टैग करने की नहीं है, बल्कि रणबीर कपूर के पर्सनल अकाउंट को टैग करने की है। जी हाँ, गलती से नीतू कपूर ने रणबीर कपूर का ऑफिशियल नहीं बल्कि पर्सनल अकाउंट इस तस्वीर में टैग कर दिया। अब नीतू कपूर ने तो टैग कर दिया, लेकिन लोग खुश हो गए कि उन्हें ये पता चल गया कि रणबीर का पर्सनल अकाउंट क्या है। लोग अलग अलग तरीके के कमेंट्स करने लगे हैं और आपको बता दें कि इस अकाउंट पर लगभग 48,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अब लोगों को पता चल गया है कि रणबीर जो अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका पर्सनल अकाउंट नहीं है बल्कि ऑफिशियल अकाउंट है। खैर, गलती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जिसे रणबीर या आलिया सबके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हों, लेकिन नीतू कपूर ने इसे सबके साथ साझा कर दिया है। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।